चलो भाई दोस्तों पहुंच चुके गौशाला, हम अभी आ चुके भाई। जो लिए हुए फिर भी नहीं खोगा। हाँ मैं पता क्या करना तो चलो दोस्तों पहुंच चुके रोजाने की तरह भैंस को पानी पिलाने के लिए ठीक चौरी तक, हमारे यहाँ की चौरी। यहाँ पर उत्तम भाई जा रहे हैं मार्केट, क्रिकेट ठीक ठाक से उन्होंने खेला है तो एक निशान तो कपाल पर बनी भी अलग, दो घुटने भी बजा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों दगड़ियों हो गया दूध लेना काम भी खत्म, भैंस से भी दूध ले आए ले और अपनी गाय माता से भी हम दूध ले आए। ओम सूर्य देवाय नमो। तो दोस्तों हमेशा की तरह जा रहे हैं गौशाला, तो ये रही दूध की बाल्टी और आगे से चल रही है रोहित की माँ। तो चलिए दोस्तों पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय भाई। तो रोहित की माँ तो लगी अपना काम पर ही पिसोलन। अरे आज चलते हैं रोहित की माँ, क्या करे भाई साहब, आज आटा ज्यादा लगे आए केले की प्याल, रोटर भी कम हो गए जो भात भी। तो चलिए जी दोस्तों कर लेते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो देखते हैं सबसे पहले बाहर का मौसम। तो भाई साहब बाहर का मौसम बिल्कुल शानदार हो रखा है और घिंदड़ की चहचहाट मन को भा जा रही है। बस सुबह सुबह देखिए बिल्कुल शांत मौसम हो रखा है, शांत माहौल हो रखा है भाई। वैसे भी हमारा गांव छोटा सा गांव है, देखिए दोस्तों। और आसमान पर हल्की सी लालिमा भी दिखाई दे रही है, सनराइज होने में अभी बहुत समय है भाई दोस्तों। तो हमारे अगमा गांव काफ़ी लेट आना, तो ये मीठा करेला चाल के बड़े अला उन्होंने डाल बोले। तो चलो चलते हैं नीचे पीते हैं चाय पानी। तो सुबह सुबह यहाँ पर भी माँ बना चुकी है चाय, तो चिनकम कम डाल में। हाँ अरे आज चलते हैं रोहित की माँ, क्या करे भाई साहब, आज आटा ज़्यादा लगे आए केले की प्याल, रोटर भी कम हो गए जो भात भी। तो गुड मॉर्निंग कर दिया सब तो है। अच्छा रॉ मटेरियल में और उसे सब है। तो भाई दगड़ियों गुड मॉर्निंग दगड़े 27 सुबह सुबह आटा है ध्यान से कोदा का आटा है, कोदा के बिन के गेहूं मतलब। हां बा हमने तो खाना यूज डमडम। हां गेहूं रोटा हम खेन में से खेन क्या छे। हां हां देखो कितने आग बढ़ गए हैं, तो परमानेंट चूल्हा से मारो पैन में, परमानेंट रोना भी होना टाइम पर तो रोना सर्दी में। तो शाम सवेर गर्म पैन से ता तब तो लगा पसंद काम हो वो तो रह रहा है। एक तो चलिए दोस्तों पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय भाई। तो रोहित की माँ तो लगी जा अपना काम पर पिसोलन पर, इत बटाल तो अपना दिन भी आ गई। देखो अब ठंड होती नहीं है पर धीरे धीरे अब ठंड बढ़ती जा रही है। तो चलो आप लोग भी पी लीजिए पहाड़ी चाय। तो दगड़े में बैठा रह गया उतनी देर में, देखो फटाफट से रोहित की माँ ने कर दिया यहाँ पर रोटी भी खत्म। अरे आप पर बच्चों के लिए दूध भी उबाला जा रहा है। जान से भाई दो चार दिन छूटे अच्छा था। चलो चलो इसको मैच खेलना खड़ा है जनी छोटा। तो दोस्तों हमेशा की तरह जा रही है गौशाला, तो ये रही दूध की बाल्टी।
और आगे से चल रही है रोहित की माँ, चटक चटक ना, हाँ चटक वाल नहीं पहने हुए, घाम भी आ गए ठीक फार शहर तक। सही बात है, चलो जी पहुंच गए अपने एक और मंदिर के द्वार तक। यहाँ तो मत्था टेकना ही टेकना है रोज, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ क्या भी नहीं, लोग छन का तो मोड़ भी नहीं सहन बोलो है ना, चाहे मोड़ भी किन्नी बिता देरी तब छन आना पौन है ना। स्वागत तो सबसे पहले यो पता ले आया नौकरी। चलिए जी दोस्तों, प्यार सा सूर्योदय भी हो चुका है, ओम सूर्य देवाय नमो। तो कुकर भी पहुंच गया सुबह सुबह वागू, हाथ गुठाड़ जी ने खुण कहा जाना शेरो, चल चल घर, चल 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 चल। चलिए दोस्तों दगड़ियो हो गया दूध लेना काम भी खत्म, भैंस से भी दूध ले आए और अपनी गाय माता से भी हमें दूध ले आए। तो चलो भाई चलो लो बहरे तरफ, ये मौला सब मिलकर ही उसे खरकाल लोगो। तरीका ही खतरनाक है काटने का। तो चलो जल्दी आसम पर ड्यूटी। अच्छा तुम लोग जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो जोड़ो चाहे ख्याल तो मिलकर भी जाने च। चलो भाई देखो ये कर लो भाई, जे लूनी बोल मोला। अच्छा अच्छा तो चलो भाई चलते हैं घर पे, आप सीधा मिलते हैं घर पे जाके। त्या पर उत्तम भाई जा रहे मार्केट, क्रिकेट ठीक ठाक से उन्होंने खेला है, तो एक निशान तो कपाल पर बनी भी अलग, दो घुटने भी बजा रखे हैं, हाथ भी और हाथ भी हो रखा क्रेक। अमाल लगी है यहाँ पर लस्सी पैक करने पर है ना, दब वाला था ये तो क्रिकेट को जिगरा जिगरा बोलते, क्रिकेट की जिगरा होना चाहिए, जिगरा क्रिकेट की दीवानगी दीवानगी। हाँ या तो हारो या तो जीतो, चलो कहा बात अब वो बात नहीं करेगा, क्रिकेट बोलो अब वो जरे मेरा रोड से चलते बजा से।
दूध दे अल बते जो जल्दी जोड़ ला तो वो तो दिन बढ़ है। चलो तो ठीक था। ओके बाय बाय। हां मैसेज कर देता। चुप रे यका पा अफोर्डेबल मैच खेल। तो वे कब कप्तान तो जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर थर्सन बाजार। ये बाढ़ भी कर सुबह आई। अब आ जा लेन दिन माल ठुकाना। अब रख लो मार मोहित। तो चलो कर लो नाश्ता है। मैं और एक बार तो करी दोबार दो कर लियो ला। चलो जी ये भी ड्यूटी लग गई। अब घर आते ही लस्सी बनाने की भाई है ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। छन बटा किसी सब रुपए में हाथ टाइम का सुई जिस बना कि दी वो मैंने ये नहीं मार्च में लगे हो बह रहे हैं ता मिल खाना ले नाश्ता तो वो या मैं का छन बटा दिया मैं को वो जो छा छोने के जरा छा छोरी अरे ये भी दस मैं दूर जमा नजर है तो छोटे ले लो चलो भी लेन भंबल साथ हो टाइम भीतर में अरे ये छन बैठ से ये बोला से बिहार आते साग मजे को मैं पनिया बैठे तुम तब बता जुला रहा बने रहा भैया दिन माना दिखे तेरो तुम देखी कि उनको सुकून हूं है आज दिन पर अलग आज दिन अलग होना बहुत दिन आया तुम मिस बोले कि रोज भी काम रहे ना कि हम भनो कभी तो हम कटम दो नहीं कभी छा छिले रे नहीं कभी तो रोज रोज देखना रहे हां तो बने रहे आज दिन मान छ कि उन कोस कोस हूं हां तो मैं जीवन हां छुई छुई ने बनाऊं है तो मजा कभी काम करने है हैं। तो चलिए भाई दोस्तों हो चुकी है बर्तनों की सफाई सुबह सुबह। सर्दी हो गई ना बहुत ज्यादा ठंड पानी ले चला ना। तो चलते हैं फिर गौशाले की तरफ भी धीरे धीरे निकालते हैं बैलों को बाहर रोजाने की तरह। डबल मजा होने वाला है। भाग में सावन नहीं लगे बोलना। तो दोस्तों पिलाते पहले भैंस को पानी। बहुत दूर जाना पड़ना ना सो लट्ठी दे दो। मैं लट गया मेरी मीखनी छोच 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 कहते बहुत दूर जा मैं कौन दे दर मैं मैं खड़ा था ना। हां मैं यार यही हाल से। आ जा चल हेले 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 आराम से आराम से। आराम से चलो दोस्तों पहुंच चुके रोजाने की तरह भैंस को पानी पिलाने के लिए ठीक चौरी तक हमारे यहाँ की चौरी। तो पूरे गांव के भैंस यहीं पर अपनी पैंट पोड़ा खुनी यहीं पर आती है भाई। पूरे गांव के भैंस हिले हिले उनका जाने सफाई बहुत है। निपेड़ा ने
इस चलो जी पहुंच चुके हैं वापस गौशाला पानी पिलाने के बाद। अब निकालते हैं बैल को भी बाहर। तो चलो दोस्तों हमने निकाल लिए अपने बैल भी। तो रोहित की माँ यहाँ पर पहाड़ी ठंगरा छुमल ठंगरा है छुमल तो वॉल नहीं वॉल पर। अरे इन्हें चरण से मार बैल देखो दोस्तों भाई साथ साथ में दो भी सेक रहे हैं। अब मौसम भी कुछ इस प्रकार से हो रखा है, आज हल्के बादल लगे हुए हैं, धुंधला हो रखा मौसम। चढ़ते चढ़ते हमारे बैल अब इधर को आ चुके हैं। धैर्य हो जा, परसों से पड़ा ये कटियाग में है तो रखा तो जी गौशाला रखाना ठीक है, नहीं तो मैं रखाता हूँ। उठाओ तो पर्स बटे पड़ी हुई कटाक में, मैं रखा था इसको गौशाला। इसमें है पत्ते गौशाला के लिए, यानी गोरू और भैंस मुड़े कौन गोरू और भैंस मुड़े सर पाप छू के छू बांजा छू ओए बुरा सा छू अया रख छू कुने सोंठ छू हमारे एक सोंठ बनी चीड़ पेड़ बनी बनी पर इस बनी कुने सोंठ है तो सब मिक्स कर कर दिया रे नहीं को नभर रे नहीं और अब ठंडी काम है नहीं वो गोर भैंस में गद गद दिसान और जब तक छेंची तब तक ले लियो लो जब मेरा आधा बस खैर ले लो बस है और मुल्क वो तो दिखे मैं अरे पखंड मोला टापर ले गए और हर हमारे पूर्ण में कहीं मोल नहीं होता हमारे घर का तो चलो तो चला दे रहा है क्या आता हूँ अजी ओली है वो फिर भी निकल कहाँ मैं पता क्या करना यूज़ ने बट हाँ ये मेल्स बट ठीक चलो चलो जी हाँ घास सुनार पहल से नहीं मार पटो है और जीव नहीं खोल के ये लिया है मैं तेल में घास ले जान। हाँ तो भाई दोस्तों थोड़ी देर चराने के बाद और पानी पिलाने के बाद बांधते हैं अब अंदर। चल कबीर चल 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 चलो 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 तो चलिए दोस्तों मैंने घर पहुंच के रख दिया चावल बनाने के लिए, यानी कि भात को भात बना रहा हूँ मैं अभी। दत्तम माँ और रोहित की माँ की है, यानी कि भात बनकर रेडी हो चुका हूँ। एक और सीटी दे देते हैं चलिए। तो दोस्तों पहुंच चुकी माँ भी घर पे, तो खाना खा लेते फटाफट से माँ के साथ। चल मैं चलो क्या जी लोड बाहर चल पका बाद तो चलो यहाँ पर रखा है मैंने भात बना के हो गया ना आधा घंटा से ऊपर हो गया होगा ले लिया। तो खाना तो आप लोग भी दगड़े आइयो भात खा लियो तो लस्सी भी आ गई। चलो भाई
चलो तो खाते हैं। तो लो ये रहा हरा नमक, मैं ले आता हूँ करछी, ले रहा पलटा। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं अपन दोस्तों तभी खवाने के, खा जाओ भाई खा जाओ, सब दोस्त आइए खाड़ो खाड़ो को दोस्तों खा। खाने जा रहा हूँ लस्सी और नमक, हरा नमक डाल में, ये रहा हरा लून और लून पूरी नाग है। तो भाई क्या बनता है ना ना पोलो नहीं खाड़ो में कड़ी नहीं तो बोलो बोल पकाओ मेरे को खाने चाहिए अच्छा तो क्या फूलों का। तो चलो भाई दोस्तों खाना भी हो गया बढ़िया से, और माँ लगाने जा रही है पाइप टंकी खा लोगे सिंचाई करने वाले अब तो नहीं हुई थी पर बर्फ का खाने में नहीं बोल बनी उनके बाद में गिलो यार गीलो ही हो अच्छा हाँ। चलो कोई नहीं खाओ खाओ आराम से बिल्कुल। तो दोस्तों आज बादल भी लगे हुए हैं भाई, दोपहर तक का मौसम है तो बादल भी लगे अच्छे आज दोपहर तक। अब माल्टो में हल्की सी पीली छनाक बस या मम्मा कूड़ा फूकना कूड़ा बीच। और साथ ही यहाँ पर रोहित की माँ ने बना दी चाय भी, हमें आवाज पड़ गई थी आओ चाय पीनी तो हम आ गए। तो बनाओ वही बाबा होने छे तो जबर खाओ लो जबर भाड़ा दो वाला अच्छा ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आप भी चाय पी जाओ पानी आनो बहुत बड़ के सांस भाई कुछ आजकल ज्यादा किसान की रहती नहीं होने कैमरा समय। हाँ कुछ ज्यादा भी जाए कैमरा के कैमरा से किलो होने ला तभी तो काम करने ला पंक्ति ला। चलो तो आओ चाय पी लो भाई लो ये चाय ले लो ले ठंड हो जाओ बिन दे दे तो दीदी भाई माते भी दिया चाय तो मम्मी पीगी चाय था पुकल से खोरते ठीक चलो चलो। तो चलो हाँ चल रहा मेरेट से तू कागजान घर आ अच्छा अच्छा बर्फ भी आ सकने क्या पता चलो भाई कितनी माप छी कितनी छी तुम्हें ग्यारह में 105 ग्यारह में भाई साहब 52 क्लास में 53 क्लास में दा बोला था। कम यार वो कम हो सही हां मार चल वहां के दूर मार चल वहां सो कोई ना कितनी कोई ना ठीक ठाक से ना ग्रोथ ठीक है ठीक है। तो चलो भाई देखो पहुंच चुका मैं गौशाला तक भाई अपनी मिलिट्री लेके एक बार फिर से एक बार ले मिनट लो जी आखिरकार मैं भी पहुंची गई हूँ कुछ काम करने के बाद तो इसे यहाँ पर रख देती हूँ और इन चीजों से ढक देती हूँ ताकि किसी की गाय भैंस ना आए। हाँ तो पूरे दिन आ गई चाय खाई
आता है कुफर बिरा लोग रहे हैं। हाँ लो इस थामा खोले नहीं क्या डुके गए इस रेंग के धान फोड़न था। हाँ आप दिए थे अलग रहे छह दिन मैं घास दिए थे लो दुबई जी भाई बीट है भाई हैं आज और सौ शून्य के बुक गया चुप चुप बोलेंगे किस सौ बुक गया चली गया लगा से अकेली यो छ अनि खाली यो छै आफले हामी बुलबुल लुजुङ गो त्यता जे त गो कुर्स कुर्स खाए लेपो दुई खाले था तमी दबे दे दुई खाए दे भोबर दुई मिल अनि खाली त मले ये पुल नेछ नारानी भई अरे तजरा बल दुदेलु ये दड त हात गडलु अपन नि बाल छना जाली काम भी अच्छे तो बेल मिल कम काटना या मुनार होना चाहिए चलिए दोस्तों हो चुका आज के लिए घास की कटाई का काम एक बार फिर से ख़त्म और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो लगाते घास की बिटकी निकलते हैं जल्दी यहाँ से तो लग चुका है घास की बिटकी भी दोस्तों कुछ इस तरह से पहाड़ी लाइफ स्टाइल में भारी बोलते हैं और मैं लगाने जा रही हूँ आपकी भारी अच्छा ये आपके लिए और कल से दोनों की दोनों घास ही नहीं लेके जाएंगे एक लेके जाएगा क्रूव पत्तिया जिसे बोला जाता है और या तो लकड़ियाँ मिलेंगी तो लकड़ियाँ लेके जाएंगे क्योंकि ये वाली खेत तो खाली कर चुकी है जिससे मुझे मेन टेंशन लगी हुई थी फटाफट ही जाती और होगा ना बिल्कुल निकलते हैं घर को जल्द से जल्द चलो चलो चलते हैं चलो ये देखा था तुम्हें बोले लौटा भी चलो चल के थोड़ा मैं तो भगवान तब ना भाई ढूंढने नहीं रहा था जब तक मैं उठा मैं वो थोड़ा मजबूत पहुंची था तब तक ढूंढना रहा था ढूंढना रहा था आज हमें जान था तब देखा लगा था उठोलती चलो भाई दोस्तों पहुंच चुके गौशाला हम अभी आ चुके भाई तो अंधेरा भी हो चुका भाई दोस्तों देखो आते आते चलो भाई रोहित की माँ भी पहुंच गई अंधेरा होते होते पहुंच गए गपड़े लोग भी आस पास गांव वालों लाइट भी जाएगी बादल भी लगे अच्छी तो चलो दोस्तों पहुंच गए दयाल में चाय भी बने अलमार ने बढ़िया से पीते ही चाय क्यों भाई थड़कान छा हमारे हाथ में
तो चलिए दोस्तों अंदर की तरफ आया तो यहाँ पर आज मीट भात बन रहा है। तो लुआ कड़े ना इन्हें तैयार होने से ना मुस्कुराहट नहीं बताने का बस जित... बाद में बताओ तुम भाई और रहने दे अभी रहने दे। तो ठीक है कल दिखाएंगे फिर है ना खाना भी है कल दिखाएंगे बस जिन जिन सर्दी बढ़नी तो मरछ ओ कि बनी माँ को डेर अभी भीतर होने लग गया ना जो जो सर्दी बढ़नी छे तो ठीक दगड़े फिर ठीक दगड़े बने के दिखोल बने तुम देख हम लोग बोलो तुम दिखाए जाया खीर बने वाला आज आसन को तुम्हारे से की खीर बनोनी बाकी पीस दे काम अच्छा बट ले जुग 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 लग जाए मैं लोग पीस काम जे अब जब वो मैं वो ये चाऊ रह सके चुर में तबर लेट आ गए हम ही सची सर हमारे ही काम काज हम मानता सब कुछ ही सच है और बहुत ज्यादा देख रहे तुम शर्मा को उनके लक्ष्य आ गए तो देख लो ज्यादा ना बोलते हुए तो वीडियो एंड करो लो और वो वीडियो वे करो हैं वो ये तैयार करो हर घर भी की रात भर जरा कि मैंने रात भर क्या सोचा ना बहुत रात खुल के तो बोली नहीं ना कथा बरखा जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड है आप सभी को भी